पांचवी छठी और सातवें चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री की सिमरिया में जनसभा, चतरा और हजारीबाग के भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। चौथे चरण के प्रचार का शोर थमा, सेवुम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू में मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुस्तैद। लोकतंत्र के महापर्व में सबों की भागीदारी के लिए मतदाता जागरूकता अभियान का अनवरत सिलसिला जारी। वोटरों को मतदान के लिए किया जा रहा है जागरूक और प्रेरित। और मौसम में उतार चढ़ाव जारी, राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश, 15 मई तक मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना, तापमान में दो दिनों बाद वृद्धि के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। पांचवीं, छठी और सातवें चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड समेत देश भर में प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पड़ोसी राज्य ओडिशा में कई जनसभाओं को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने चतरा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्रों के पार्टी उम्मीदवारों के लिए चतरा अंतर्गत सिमरिया के मुरवे मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर जोरदार हमला बोला। श्री मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरूआती तीन चरणों के चुनाव में जनता ने विपक्ष के तिकड़म को पूरी तरह से नकार दिया है। अब ये लोग विलय कर मान्य विपक्ष की जगह ढूंढ रहे हैं। इतनी भी नहीं आएगी, और अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए। आप देखिए, देश की जनता ने ये तिकड़म लड़ाने वालों को कैसा सबक सिखाया है। तीन चरणों में ही ऐसा सबक सिखा दिया है कि वे विलय करके मान्य विपक्ष के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एडवांस में बधाई देता हूं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत का दावा किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष खुशफहमी में है। 4 तारीख तक तो इंतजार कर रहे हैं। जितनी कल्पना लोगों को नहीं है, उससे अधिक जन समुदाय यहाँ एकत्रित होगा, और वह जन समुदाय प्रधानमंत्री को सुनने के बाद कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा के जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने जाए। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने भी प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भी लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने विकासोन्मुख राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के वास्ते भाजपा को समर्थन देने की अपील की। देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, राशन नरेंद्र मोदी जी आपको दे रहे हैं, किसान सम्मान का राशि नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, आयुष्मान भारत का जो हेल्थ कार्ड है 5 लाख रुपए तक का, वो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। अभी अलग अलग गांव में लोगों को टावर से पाइप के माध्यम से पानी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा।
रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज मिलन समारोह आयोजित किया गया। हजारीबाग की स्थानीय नेता और समाज सेवी शिवलाल महतो के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नए सदस्यों का स्वागत किया और पार्टी का पट्टा पहनाकर उन्हें भाजपा में शामिल कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को देश के एक एक पिछड़े और गरीब लोगों की चिंता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार केंद्र की योजनाओं को अमली जामा पहनाना ही नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी जी झारखंड की चिंता करते हैं, चूल्हा की चिंता करते हैं, भोजन की चिंता करते हैं, बीमार होने पर दवा की चिंता करते हैं और फिर लोगों को अच्छे जल भी मिले पीने का, उसके लिए भी नल से जल घर में पहुंचाने का भी चिंता करते। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड के विकास की विरोधी रही है। कांग्रेस ने पृथक झारखंड प्रदेश के निर्माण को वर्षों तक लटकाए रखा। कांग्रेस पार्टी तो झारखंड के विरोधी रही है, झारखंडियों के विरोधी रहे और झारखंड के विकास के भी ये लोग विरोधी रहे। भाजपा ज्वाइन करने वाले अग्रणी नेता शिवलाल महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में देश में विकास की गंगा बही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के आंकड़ों को पाने के लिए वे पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी लोग हैं आज उनका अगर सबसे बड़ा अगर विकास का गंगा बहाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हुआ और 400 पार जो नारा चला है वो नारा ये जनता का नारा है, यहाँ के लोगों का नारा है, देश का नारा है। शिवलाल महतो के साथ सैकड़ों लोगों का पार्टी में आना भाजपा के लिए अच्छे संकेत हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे खासकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और अधिक मजबूत होगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज स्थानीय रांची प्रेस क्लब में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय विशेष रूप से मौजूद थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं के समक्ष चुनौतियों के समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अभी हम जितने मिल रहे हैं सब अपने ही फील्ड में बहुत सेलिब्रेटेड हैं एक तरीके से, और उन्होंने काफी जो भी उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है समाज के प्रति, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे लोग हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं तो इनकी आवाजें जो महत्व रोल प्ले करती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं आगे देश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सबको मिलकर इस लोकतंत्र में अपना हिस्सा निभाना है और चुनाव एक महापर्व है जो उसी चीज को दिखाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेसवार्ता कर भाजपा पर जुबानी प्रहार किया। श्री भट्टाचार्य ने झारखंड में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत का दावा किया। आप विभाजनकारी राजनीति करते हैं, आप लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप बाबा नाना नानी रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता जनता से, आपका रिश्ता मुद्दों से नहीं, इसका बहुत करारा जवाब 13 तारीख को मिलने जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चमरा लिंडा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को भी निलंबित कर दिया है। इस संबंध में पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने एक पत्र प्रेषित कर श्री वर्मा को कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में आपके द्वारा कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत काम किया गया है। गिरिडीह जिला समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिव सोरेन के निर्देश
अनुसार आपको पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाता है। गौरतलब है कि जयप्रकाश वर्मा ने बगावती तेवर दिखाते हुए कोडरमा से नामजदगी का पर्चा बतौर निर्दलीय दाखिल किया है। ये सीट इंडी गठबंधन के तहत भाकपा माले के खाते में गई है। भाकपा माले के उम्मीदवार विनोद सिंह ने यहां से नामांकन किया है। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार रहते हुए जयप्रकाश वर्मा ने निर्दलीय यहां से नामांकन किया है। पार्टी ने उनके इस कदम को अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें झामुमो की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा को भी लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। खूंटी में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 13 मई को मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रांची जिला के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मांडर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसे लेकर आज रांची में खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक डीसी नेगी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा की देखरेख में माइक्रो ऑब्जर्वर पीठासीन पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की थर्ड रैंडमाइजेशन पूरी की गई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का शोर आज थम गया। इस चरण में झारखंड की चार लोकसभा सीटों समेत देश भर के 96 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 13 मई को मतदान होगा। झारखंड समेत देश भर के 96 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सिलसिले में प्रचार का शोर थम गया। इस चरण में झारखंड की चार लोकसभा सीटें सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू संसदीय क्षेत्र में भी 13 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर मतदाताओं से संपर्क साधने और उनको आकर्षित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों ने इस चरण के चुनावी संग्राम में जमकर पसीना बहाया है। सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर मतदाताओं को लुभाने की भरसक कोशिश की है। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत चायबासा और गुमला के सिसई में प्रचार करते हुए लोहरदगा तथा खूंटी संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। श्री मोदी ने पलामू में भी चुनावी प्रचार कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों से मतदान का आग्रह किया। इतना ही नहीं, उन्होंने रांची में रोड शो कर जनता से सीधा संपर्क साधा। भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खूंटी में पार्टी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खूंटी आए और पार्टी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के नामांकन से जुड़े चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर वोटरों से मतदान का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गुमला और सिमडेगा में चुनाव प्रचार कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने भी चाईबासा और गुमला में चुनाव प्रचार कर इंडी गठबंधन उम्मीदवारों के लिए जनता का समर्थन मांगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक सह मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला में लगातार कैंप कर वोटरों को साधने की कोशिश की। राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने पलामू संसदीय क्षेत्र में जोरदार प्रचार अभियान चलाया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने 24 की चुनौती को पार लगाने के लिए पूरी ताकत से प्रचार में हिस्सा लेकर जनता की नब्ज को टटोलने और दिल जीतने की भरपूर कोशिश की है, ताकि चुनावी रणक्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों को वोटरों का भरपूर प्यार मिल सके तथा जीत सुनिश्चित हो सके। चौथे चरण के चुनाव के सिलसिले में 13 मई के मतदान के साथ ही झारखंड की चार लोकसभा सीटों के 45 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। झारखंड में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। सभी पार्टियों ने लगातार एक के बाद एक बड़ी जनसभाएं की और जनता को लुभाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने एक के बाद एक जनसभाएं की और जनता को लुभाने की कोशिश की। अपने सहयोगी मुकेश तिर्की के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। इधर लोहरदगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गुमला में भी प्रचार का सिलसिला थम गया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन यहां पूरी तरह से मुस्तैद है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज पत्रकारों को बताया कि शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है। मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करना प्रतिबंधित होगा। इधर जिले के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कहा कि जिले में चुनाव को लेकर सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है। 13 मई को सुबह 7 बजे से मतदान का समय और तिथि निर्धारित है। आज 11 तारीख को शाम 5 बजे से जो मतदान तिथि से 48 घंटे पहले जो स्पेसिफिक प्रावधान एमसीसी और लॉ एंड ऑर्डर को लेके प्रभावी होने हैं वो हो जाएंगे शाम 5 बजे से। तो इस ओर तीनों एसडीओ गुमला, एसडीओ चैनपुर और एसडीओ बसिया 144 का जो उनका पुराना आदेश है उसको उस हद तक परिवर्तित कर देंगे। जो भी होटल लॉज है उसमें बाहर के लोग हैं उनको भी हम लोग चेक करें कि बाहर का व्यक्ति जो यहाँ का वोटर ना हो वो ना रहे। साथ ही जो हम लोग एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो कार्रवाई है कि किसी प्रकार का इलीगल कैश लेकर या और भी कुछ ऐसे चीज से प्रलोभन दिया जा सके मतदाताओं को, उस पर विशेष निगरानी है। इसके लिए भी हमारी अलग से फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी की टीम को स्ट्रेंथन करते हुए आज वो अपनी कार्रवाई कर रही है। राज्य की 4 संसदीय सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 13 मई को झारखंड की 4 लोकसभा सीटें सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा और खूंटी में मतदान होना है। मतदान को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां इस फेज को लेकर है? फोर्थ फेज में हम लोग झारखंड का 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव में जा रहा है, उसमें पोलिंग में इसमें टोटल वो 64.58 लाख वोटर्स है। इसमें सभी बूथों पर मतदान करने के लिए सब तैयारी हो चुका है। उसमें सभी जगह पर वो बेसिक प्रोटोकॉल होती है, मतदाता पर्ची, वोटर्स गाइड, सब एक एक वोटर का हम लोग दे दिया उसमें। उसके साथ में वहाँ पर बेसिक कितना फैसिलिटी चाहिए वो गर्मी का देखते हुए क्या व्यवस्था करना है, वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन कितना है, वो सब कुछ पूरा कर लिया। इसका साथ साथ में कुछ हम लोग को यूथ मैनेज्ड बूथ 7 बनाया, यूनिक बूथ 14 बनाया, वुमन मैनेज्ड बूथ कराया। उसका साथ साथ में यहाँ पर टोटल 45 कैंडिडेट है इसमें फर्स्ट फेज में। इसे चुनाव का लेकर कितना भी व्यवस्था करना हम लोग पूरा तरफ से तैयार कर लिया। सर, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर और साथ ही साथ लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके इसके लेकर क्या इंतजाम है? इसमें सुरक्षा का दृष्टिकोण से आपका एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कितना भी फोर्स आवश्यकता है वो सब हम लोग को प्राप्त हो चुका है। हम लोग को पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाएंगे, हम लोगों को स्टेट फोर्स भी लगाएंगे। साथ साथ में सभी बूथों पर हम लोगों को वेबकास्टिंग का व्यवस्था कर दिया, साथ में वो माइक्रो ऑब्जर्वर का भी डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें। इसलिए हम लोग को CAPF नॉन CAPF मेजर्स बोला जाता है उसको, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कराया जा गया उसमें। साथ में उसके FST VST वगैरह लगा के हम लोग को पूरा तरफ से मॉनिटरिंग करेंगे। सभी बूथों वो CCTV का कवरेज में रहेगी। हम लोग वो DO ऑफिस है, CO ऑफिस है, इवन कमीशन से ही हम लोग सभी बूथों पर नजर में रखेंगे। लगातार सर इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, यूथ वोटर्स भी इस बार काफी संख्या में जुड़े हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए और आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार टर्नआउट अच्छा होगा? देखिए, यूथ का वोटर का फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर का टर्नआउट सभी समय में अच्छा रहती है। उनका थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का करने के लिए थोड़ा सा समय लेट होती है, फिर भी आप अपने गांव में अपने शहर में रहेंगे उस समय जरूर वो बूथ में आ जाता है उसको। इसलिए इस बार यूथ का टर्नआउट अच्छा रहेगी। हम लोग पूरा झारखंड में देखेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर 21 लाख वोटर है, फर्स्ट टाइम उनका अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ में उनका एनरोलमेंट भी अच्छा हुआ गया, 18 एज ग्रुप भी रखेंगे, वो भी 9.5 लाख वोटर है। इसलिए इस बार ये एक यूथ इलेक्शन करके बोल सकते हैं, ज्यादा संख्या में यूथ इसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का जो कार्यालय है उसने कई तरह के कैंपेन्स भी चलाए, तो इसका क्या आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिला और आपको लगता है कि यूथ के जरिए इस बार रिकॉर्ड टूटेगा मतदान का? देखिए, हम लोग को कितना मतदान होगी उसका अभी असेस करना मुश्किल है, परंतु हम लोग यूथ का मोटिवेट करने के लिए हम लोग का सोशल मीडिया भी हो, अदर स्वीप एक्टिविटीज हो, प्रत्येक कॉलेज में हम लोग जाके उनके साथ में संपर्क किया। इसलिए हम लोग को उम्मीद है यूथ इस बार वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
लगातार आपने जितने भी मतदान केंद्र हैं, बहुत ज्यादा मतदान केंद्रों का आपने विजिट किया, इस फेज में कई नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं जहां मतदान होना है, तो उसको लेकर जो इंतजाम है, तो क्या लोग निर्भीक और उनका डर खत्म हुआ है? हम लोग अभी इसी बार इलेक्शन कराने के लिए ऐसा बुद्धा पहाड़ लगेंगे, उसी का आपका गढ़वा जिला में पड़ते हैं, उसमें वहाँ पर पहले बहुत नक्सल का इश्यूज रहती थी, LWO अफेक्टेड एरिया था उसका। अभी हम लोग, मैं भी उस जहाँ पर विजिट किया था वहाँ वोटर से भी बात किया था, बहुत वोटर है वो पहले बार अपने मताधिकार का प्रयोग करा, वहाँ पर सुरक्षा का सभी व्यवस्था हो गया, वो केवल वो इंटीरियर इलाका नहीं बाकी सब जगह पर कितना व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सब तैयार कर चुका है हम लोग, इसलिए मतलब वो मतदाता अपने निर्भय होकर इसी बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। हम बात कर रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार जी से, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चौथे चरण को लेकर झारखंड पूरी तरीके से तैयार है और जो तैयारियां होनी चाहिए उसकी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बल से लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि मतदान केंद्रों पर किसी तरह की मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। उधर चौथे चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद पलामू में उम्मीदवारों द्वारा जनसंपर्क अभियान पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ने आज चैनपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा किया। इधर राज्य की चार लोकसभा सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान के आलोक में पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला भी आज से शुरू हो गया। आज विशेष तौर पर दुर्गम इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच हुआ। लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों और क्लस्टरों के लिए भी चुनाव कर्मियों को रवाना किया गया। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से भी संबंधित बूथों और क्लस्टरों के लिए भेजा गया। इस दौरान चुनाव कर्मियों में मतदान सम्पन्न कराने को लेकर खासा उत्साह दिखा। इधर पलामू लोकसभा चुनाव के लिए भी 13 मई को मतदान होना है। स्थानीय जीएलए कॉलेज में इसके लिए डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। यहां से मतदान कर्मियों को अलग अलग क्लस्टर और बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। मतदान से 48 घंटे पहले 213 बूथ के लिए 852 चुनाव कर्मियों को आज रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। संसदीय क्षेत्र के शेष 1257 बूथों के लिए कल मतदान कर्मियों को रवाना किया जाएगा। उधर लोहरदगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गुमला से भी पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने 44 मतदान केंद्रों के मतदान कर्मियों को आज रवाना किया। चुनाव कर्मियों को दुर्गम इलाकों के मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि शेष सभी मतदान केंद्रों के मतदान कर्मियों को कल रवाना किया जाएगा। सीमा में आते हैं लेकिन वो बिशुनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, तो इन 44 बूथों को आज रवाना किया गया, बाकी जो रेस्ट बूथ हैं उन सभी के मतदान कर्मियों को कल रवाना किया। हेलीकॉप्टर का इस बीच चाईबासा से भी सेवुम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दुरू क्षेत्रों के बूथों पर मतदान कराने के लिए चुनाव कर्मियों को रवाना किया गया। कई कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी भेजा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पांचवी, छठी और सातवें चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री की सिमरिया में जनसभा, चतरा और हजारीबाग के भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। चौथे चरण के प्रचार का शोर थमा, सेवुम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू में मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुस्तैद। लोकतंत्र के महापर्व में सबों की भागीदारी के लिए मतदाता जागरूकता अभियान का अनवरत सिलसिला जारी। वोटरों को मतदान के लिए किया जा रहा है जागरूक और प्रेरित।
और मौसम में उतार चढ़ाव जारी, राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश, 15 मई तक मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना, तापमान में दो दिनों बाद वृद्धि के आसार।